हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अशोक लेलैंड BS 440 गाड़ी का सेल्फ चेंज कैसे किया जाता है, पिछला वीडियो में अच्छे से नहीं बनाए थे और इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसमें कौन तार लगाना है, क्या है नहीं है, हाँ कितना दादा का है सेल्फ, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो जो लोग नए हैं वीडियो में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलो। यार तीन है, ये ब्लैक वाला वायर है, ये टर्मिनल और तीन का है, ठीक है। पिछले वीडियो में अच्छे से नहीं बनाए थे और इस वीडियो में मैं अच्छे से आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये ऑटो स्विच का पार्ट है, ये मेन तार कॉइल है, ठीक है, ये मेन तार, ठीक है, ये मेन तार। और इसका सेल्फ का जो पिनियम है ये आपको हम दिखा देते हैं। इसका जो अशोक लेलैंड BS4 का सेल्फ का पिनियम का टीथ है ये 11 दाता का है, 11 टीथ का है, ठीक है। ये देखिए ये जो टीथ है ये 11 टीथ का है, ठीक है। अशोक लेलैंड 40 BS4 में लगता है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए कैसे लगाता है, कैसे चेंज होता है। ये देखिए ये लाल तार मेन तार है, ठीक है, ये बैटरी बक्से से आया है। हाँ ठीक है, ये ऑटो स्विच का तार है, ठीक है। तो हम लोग कितना तार खोले, तीन तार ना, तो ये तीन ठो वायर खोलना है सेल्फ से, उसका बाद 14 नंबर गोटी से आपका सेल्फ का जो तीन नट होता है गोटी से टायरिंग में से आप खोल सकते हैं। ये दो है और ये ऊपर में एक रहता है, देख सकते हैं आप, वो जो अंदर में है, ठीक है। तो ये तीनों को मैं लूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सेल्फ का प्रॉब्लम है, ये सेल्फ आपका इंजन का साथ घूम रहा है, ठीक है, और ये सेल्फ खराब हो चुका है, इसको मैं बदल के फिर दूसरा सेल्फ लगाएंगे। तो गाइस ये देखिए ऊपर वाला नट खुल गया, ठीक है, अब ये नीचे वाला खोल रहे हैं और इधर वाला खोलेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को देखते रहना, ठीक है, कैसे लगाता है ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप भी इस तरीके से खोल के आप सेल्फ दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है। और कौन तार किस में लगाना है, मॉडिफाई करना है, क्या है नहीं है, सब कुछ इसमें बताएंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी मेरा चैनल को 3000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं और आगे भी सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है। ये देखिए मेरा सेल बाहर आ गया, ठीक है, ये देखिए सेल मेरा आ गया, ये देखिए इसका जो दांता है, देखिए इसका टीथ टूटा हुआ, ठीक है, ये देखिए। तो ये अभी जाएगा बनने और ये सेल बनाने वाला वीडियो हम बना देंगे आप लोगों को एक तो। अब ये आ गया नया सेल्फ जो बन के आया है, ठीक है, और इसको कैसे लगाना है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सेल्फ डूब गया, वीडियो
ये देखिए सेल फंस गया पूरा, ठीक है। अब इसको मैं मुझे टाइट करना है, ठीक है। सबसे पहले हाउसिंग का 3 बोल्ट नट अच्छा से टाइट करना है, ठीक है। सेल्फ को अच्छे से हाउसिंग बैठा लेना है, ठीक है। और इसमें 14-15 रिंग रिंग चाहे गोटी से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिंग रिंग और अंदर वाला जो अंदर में नट लगा हुआ है ये वाला, इसमें मैं गोटी लगाएंगी क्योंकि वहाँ पर रिंग रिंग नहीं पहुँचा, ठीक है। ये बाहर वाला जो है इसको हम रिंग रिंग से ही टाइट करेंगे। और ये 24 वोल्ट का सेल्फ है, इसमें जो वोल्ट लगता है 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट का सेल्फ है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो BS3 का सेल्फ है वो सेल्फ इसमें मैं 2 गाड़ी का लगा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और BS3 का सेल्फ इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वाला ये बॉडी से टाइट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए ना, दोस्तों। इसमें 8-3 का तार लगाना है और ऊपर वाला में ये वाला में मेन लाल तार लगाना है, इसमें काला वाला, इसमें लाल वाला, ठीक है। और ये जो छोटा वाला 8 नंबर है इसमें आपका वो वाला ऑटो स्विच का तार लगा देना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।